गिफ्ट से ज्यादा खर्चा उधर हो गया। मतलब तुम्हारे पैसे नहीं है, तुम्हारे बेगम के पैसे है। क्या ये दो टांगे है काम कर रही है, लोगों की दो टांगे भी नहीं होती। उसका कट गया था। एडवाइस वही है कि भाई I'll be the last one left when the lights go out. हम जा रहे थे मूवी देखने के लिए अभी, तो इस भाई साहब ने अपने दुखरे शुरू कर दिए शादी के बाद। आपसे शेयर करो। हाँ शेयर करो। चाहता हूँ आप लोग डिमोटिवेट ना हो, शादी हाँ। करें, बहुत अच्छा अजीब रिश्ता है। लेकिन ओ बाबा जी, बाबा जी नहीं, तुम अपने दुख मेरी बात तुम साइड पे कर दो, तुम मेरी बात वो लिंक है ना, उससे लिंक अभी जो तुम बात आए थे वो बात करो। लिंक मैं कर रहा हूँ, क्यों तुम्हें बाद में देखो, कहीं ना कहीं से अखराजात आ जाते हैं। अभी कल बेगम जी गई मेरी, उनका उनकी क्या था बल्कि हाँ उसकी दोस्त का निकाह हुआ है पाकिस्तान में, तो जाहिर सी बात है वो कोई गिफ्ट शिफ्ट लेके जाना था उसने, ठीक है। अब वैसे उसने मुझे खुद बोला कि ये मैं थोड़ा ऐड कर लो मुझे गिफ्ट लेने में, ऐसे कैसे हो सकती है उसको गिफ्ट चाहिए, मैं बोला नो प्रॉब्लम मैं दूंगा, तुम क्यों दे रहे, मैं दूंगा। गिफ्ट सीन नहीं हुआ, हम लोग जाए चॉकलेट शॉप पे, उसको ऑलरेडी पता था कि वो गिफ्ट ऑलरेडी लेके आएंगे, वो शावर जेल चलिए वो बॉडी में से वो जो भी गिफ्ट वगैरह, ठीक वो लड़कियों ने लेके चॉकलेट ले लेते हैं। मैं समझ गया भाई, बस तुम समझ गए ना, इनको तुम्हारे व्यूअर समझ जाएंगे, कोई बात नहीं, पर तुम समझा दे, थोड़ा खर्चा हो गया यार, गिफ्ट से ज्यादा खर्चा उधर हो गया, तो एक्सपेक्ट जितना किया था उससे कहीं ज्यादा हो गया। हां मैंने बोला यार कहीं ना खर्चे आ ही जाते हैं, सही है। और उसने मतलब बोला भी था कि उसने बल्कि मुझे दे भी रही थी, लेकिन अच्छे नहीं लगता, जाहिर सी बात है, मतलब वाइफ कैसे मुझे दे रही है अपने पैसे ना, क्या गिफ्ट लो, हालांकि लेना उसने था उसकी तरफ से था, लेकिन मैं ले दिया। मतलब तुम्हारे पैसे नहीं है, तुम्हारी बेगम के पैसे है, बस मेरी कमाई नहीं है, बस क्या हौसला कर, नहीं लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग शादी करो, अच्छा रिश्ते है, ऐसी बात नहीं है, फाइनेंशियल सिचुएशन हर एक की फाइनेंशियल सिचुएशन मेरी तरह नहीं होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक का अपना अपना रिस्क है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्र करते हैं जिस तरह भी है, ठीक हो तुम, सब कुछ है तुम्हारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये बात है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दो टांगे है काम कर रही है, लोगों की तो टांगे भी नहीं होती भाई, तो ज्यादा डीप हो गया यार, हाथ नहीं होते, सही है तुम्हारे है ना, हिलाएगा कैसे फिर स्टेयरिंग व्हील कार ड्राइविंग। अच्छा आपने अपने खर्चे सुना दिए मुझे, ठीक है आज तो तुम आगे भी अपने मतलब मूवी ना देखे भी वापस हो जाए, नहीं मूवी देखेंगे क्योंकि भाई लाइफ चलनी चाहिए जिस तरह भी हो, एंजॉय करनी चाहिए, हमारा प्लान है, हम एक प्लान बनाए, हम उस प्लान के साथ चलेंगे, अभी प्लान में नहीं प्लान बनाया ना यार, अभी जाएगा हम फिल्म देखेगा, तुमको मालूम नहीं ये हमारे कुछ पठान भाई ऐसे बात करते थे। कौन सी मूवी देखनी है हमने, एक्वामैन 2 एक्वामैन लास्ट शो देखेंगे हम 12 बजे का, 12 बजे 11:30 तो तू कह रहा था 11:30 का भी है कोई, वो बेकार जगह है, बंद हो जाते हैं 10 बजे, वैसे 10 बजे नहीं होती है, 10 बजे आउटलेट बंद हो जाते हैं, पकड़ो टिकट, हेलो भाई दे दो अभी 2 घंटे फंस गई है, ये चीज भी खराब है, फंस गई है, अभी 2 घंटे की मूवी है, हमें पार्किंग के लिए भी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे अभी यार, इतना मत सोच, नहीं ये मैं नहीं दूंगा, ये तुम दोगे क्योंकि मैं तुम्हें लेके आया हूँ, ओके सुबह से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, 9 बजे का मैं उठा हूँ, ठीक है मैं दे दूंगा, मेरी पट्टी पड़ी हुई है, बंद कर लो, लेकिन बगैरत को शर्म नहीं आई, ये बोले के चलो यार तारिक गाड़ी खड़ी करो, मैंने बोला चुप बैठो, शर्म नहीं आई, तुम बोले यार तारिक चल गाड़ी खड़ी करे, तू इतना ड्राइव किया तो थका होगा, मैं ड्राइव कर लेता हूं, शट अप मैं तुम्हें अपनी गाड़ी नहीं दूंगा, लैम्बोर्गिनी है ना, नहीं दोगे, तुम्हारी गाड़ी वैसे ही लगती रहती तो मारते रहते, मारता नहीं रहता मैं इस किसी, 2 दफा तो तुम्हारी मनोज की नजर लगी थी मुझे, बाकी मेरी गाड़ी का ऐसे होता कि गाड़ी पार्क है तो कोई मार के चला जाता, इधर लगा दो कहीं भी बुक करेगा, ये है ना इधर लगा दो बस, उस साइड पे लगाओ फिर उस साइड में लगाओ, नहीं नहीं पीछे मुझे कुछ नजर आया, माल पर आवे इधर, तो ये माल घर का ही है, ये तो माल इसको नीचे रखो ना, गाड़ी पार्क कर दी है इधर, तो हम जा रहे हैं
अंदर लेट नाइट मूवी का बड़ा मजा आता है। लेट नाइट मजा आता है, बहुत मजा निकलते है ना। यार कितनी प्यारी खुशबू हुई है देखा, ये उस दिन भी थी जब हम पहले आए थे। आओ लेफ्ट से चलते हैं। किधर है लेफ्ट? चलो बंद हो गया सब। इधर जाना है? चलो मैं जाऊंगा, तुम मनोज हो। ने टिकट्स ले लिए, अभी जो है आधा घंटा बाकी है। इस भाई साहब को आया है वॉशरूम। किधर है वो? उस साइड पे है। ये वॉशरूम करेंगे भाई साहब, उसके बाद हम जाएंगे मूवी देखने। हैं देखे ना, निकले हुए सारे पख्तून भाई। फूड कॉर्नर वगैरह ओपन है अभी, लेकिन आउटलेट्स जितनी भी हैं बंद हो चुकी हैं। पेंटिंग अच्छी है यार। हाँ भाई कैसे हो? ठीक हो? इन भाई साहब का हाथ ही नहीं है। इसकी कौन सी लास्ट आई थी मूवी, उसमें इसका हाथ कट गया था। चलो मूवी देख सकते हैं। जाना है हमने। टोले में से वो सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, ठीक है। ये इंसान मेरे साथ ही है, ठीक है। तो ये तो स्टार्ट हो जानी चाहिए अब तक। बिल्कुल फिर दोबारा पे 10-15 मिनट। अच्छा बस करो ना, हम फोकस इधर करेंगे मूवी की तरफ। बिल्कुल टाइटल उठे बंद कर दिए, माहौल फुल ओके कर दिए उन्होंने, तो बस अब हम मूवी देखते हैं। सिर्फ मेरी लाइट जल रही है यहाँ पे। स्टार्ट हो गया मूवी। ओके जी, मिलते हैं लोगों मूवी के बाद। फिर मूवी हमने देख ली है, मूवी थी अच्छी थी, लेकिन पार्ट वन ज़्यादा अच्छा था। पार्ट वन ज़्यादा मज़े का था। ये भी ठीक था, लेकिन पार्ट वन का अपना मज़ा था। तो लंबी मूवी है, तकरीबन कोई 2 से 2.5 घंटे की है ना। दो घंटे 20 मिनट ऐसे है। तो बस अब हम जाते हैं घर, 2 से ऊपर टाइम हो चुका है। और पूरा मॉल खाली है, हम दो ही घूम रहे हैं बस। इस टाइम बड़ा मजा है। इस टाइम ठीक है, सुकून है बिल्कुल ना, और कोई नहीं है बस। ओके वो बंद हो चुका है, हमें यहाँ घूम के जाना पड़ेगा यार। ड्राइवर नहीं, कोई भी नहीं है, पूरा खाली है, बस एक दो गाड़ियां खड़ी हैं। लगता है ये भी एक्वामैन देखने आए थे। ये रेडबुल देना थोड़ा पड़ा होता है। ओपन कैसे किया उन्होंने गेट को? तब का वो तो ओपन ही था, जब तक पे नहीं करो आप। वो खुला हुआ था ना, काउंटर पे था। उन्होंने इसलिए कॉल के चला गया वो बंद। जाना तू जा, ताकि मैं जाऊं। फिर क्या कर रही है? फ्री में निकले थे, मुझे वीडियो सुननी फ्री में, और उसी टाइम में पैसे देके निकल रहा था मैं। बस यही हरा यार तू। इस टाइम अकेली तन्हा राह में कैसे छोड़ सकते हो तुम्हें? तुम तो वो निकले हो ना आधी रातों के, जो ड्राइवर अकेला कोई है तो उसको घर तक छोड़ के आऊं सुकून से। तब ये मुझे घर ड्रॉप कर देगा, उसके बाद ये अपने घर जाएगा। टाइम देगा, टाइम वाकई बहुत ज्यादा हो गया, 2:30 बज रहे हैं। बेचारा सुबह को उठा हुआ था, फैमिली को टाइम दे रहा था, तो इससे रहा नहीं जाता कि फैमिली को टाइम देने के बाद सुबह का उनके साथ था, बजाय रेस्ट करता आराम करता घर आके सीधा मेरे पास आ गया। कोई खुदा का खौफ करो यार, कभी तो अकेला छोड़ दो मुझे। मैं मैसेज ठोक रहे हो गए मुझे तो, मेरे पास अभी भी पड़े हुए चैट्स इसके। दिखा दो, 3-4 बार तो दिखाओ, कब आ रहे हो? हाँ दिखाओ, निकल गए घर से, अपने मैसेज भी दिखाओ, मेरे मैसेज भी देखो। हाँ कितने टाइम में आ रहे हो? झूठ बोल रहा है, झूठ एक नंबर का। तुम पहुंचो, मैं अबू के साथ जा रहा हूँ घंटे तक, वापस आऊंगा फिर बताऊंगा। हाँ फिर बताऊंगा मैंने से बोला, लेकिन 6 मैसेजेस इधर आ गए। खैर आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। आज की जो फ्री एडवाइस वो यही है कि भाई टाइम पे सोया करो, टाइम पे उठा करो। यस, रातों को बिल्कुल नहीं घूमना चाहिए, ठीक है।
अभी मैं आप लोगों को टाइम दिखाता हूँ, हम लोग भी टाइम पे घर जा रहे हैं। ये टाइम है जी, ये दोपहर के टाइम हो रहा है, ठीक है। तो बस आज की एडवाइस यही है, कोई सीरियस एडवाइस नहीं है, बस टाइम पे सो, टाइम पे उठो, ठीक है। रात की नींद बहुत ज़रूरी होती है, आपके बॉडी आपको दुआ दे। हमारी तरह ना, हमारी तरह जैसे हम टाइम पे घर जाते हैं, टाइम पे सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, वैसे रूटीन है, खूब मेहनत करते हैं। अभी हमें सुबह सुबह जाना भी है, अभी सुबह सुबह उठते हैं हम 5-6 बजे। और इसी एडवाइस के साथ आज का व्लॉग करेंगे हम एंड। आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक भाई अल्लाह हाफिज़। चलता हूँ मैं, तुम पहुँचो। इंशाल्लाह संडे को तुम्हारा बूथा देखना पड़ेगा दोबारा से। शुक्र करो तुम्हें ये खूबसूरत बूथा देखने को मिलता है, लेकिन तुम्हारे लिए खूबसूरत बूथा इस सच में दीवार देख लूँ सादी सफेद। पूछा मैंने कुछ ये नहीं डालूंगा मैं। चलो उठे।